हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी मंदिर है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। ये मंदिर चार धामों में से एक है, जो कि अपनी महिमा और आश्चर्यजनक तथ्यों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी की खास महत्व है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये मंदिर चार धामों में से एक है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। जी, जानकारी के अनुसार इस मंदिर के ऊपर से कोई विमान या पक्षी नहीं उड़ पाता है। वहीं इस मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में एक झंडा लगा है जो हमेशा हवा के विपरीत लहरता है। मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की देखरेख एक गरुड़ पक्षी करता है, जिसे पक्षियों का राजा माना जाता है। यही वजह है कि अन्य पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। खास बात यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक आठ धातु चक्र है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज़ों में रुकावट पैदा करता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान उड़ नहीं पाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ था। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई थी। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।